Good morning, class. How are things with you? My name is Mr. Jitendra Dubey and I am from Delhi. I'm your new geography teacher. I'll be teaching you Indian geography in this session. Is everybody ready to start? I hope you are all ready for your geography session. I think we can start now. It is third and last lecture of Indian geography. If you want to watch all three lectures of Indian geography, then you should go on study channels. Because all three lectures are available on this study channels, and not only all three lectures of Indian geography, but also if you want to watch some more subjects videos, then you can go there. You will get lots of subjects, rich materials. For example, history, polity, economy, geography, science, technology, physics, chemistry, biology, mathematics, reasoning, English, Hindi, etc., etc. Then it is my suggestion for you, first of all, you should go on study channels and watch some videos on that platform, then take any decision right now. तो इंडिया में जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, यानी लोक सेवा आयोग जिसे बोलते हैं, PCS और सिविल सर्विसेज, इस प्रकार के एग्जाम्स में जितने भी हुए हैं, वो सारे के सारे एग्जाम्स जहाँ से इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन जो आए हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन को वन लाइनर में कन्वर्ट करके तीन लेक्चर्स में प्रोवाइड कर दिया गया है. यदि आप ये तीनों लेक्चर्स देख लेते हो तो आपको दो फायदा होगा. पहला कि इस जो क्वेश्चन रिपीट होंगे वो आप क्वेश्चन कर पाओगे, और सेकंड कि आप जब तीन लेक्चर्स को केयरफुली एक दो बार तीन बार सुनोगे और देखोगे तो इससे आपको एक ट्रेंड मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आए हुए हैं और आएंगे. राइट नाउ द इट इज माई सजेशन फॉर यू दैट एटलीस्ट वन टू टू टाइम्स यू शुड वॉच ऑल वीडियोज ऑफ स्टडी चैनल्स राइट नाउ, एंड देयर आफ्टर यू विल फील रियली दैट यू आर गोइंग टू द यू हैव रीच्ड द राइट प्लेटफॉर्म एंड यू विल क्रैक एग्जामिनेशन राइट नाउ. लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर. इट इज थर्ड एंड लास्ट लेक्चर ऑफ इंडियन जियोग्राफी. जादूगुड़ा प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए. छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले खनिज हैं बॉक्साइट, डोलोमाइट, लौह अयस्क और टिन. छोटा नागपुर पठार के संसाधन में समृद्ध है वह है खनिज और स्थान. कोयला गिरडीह में मिलता है, कोयला अलवर में तांबा, और धारवाड़ में मैगनीज तथा जैन कोंडम में भूरा कोयला जिसे लिग्नाइट बोलते हैं. खनन क्षेत्र और खनिज गुरु महेशानी में लौह अयस्क, तलचर में कोयला, जादूगुड़ा में यूरेनियम और जावर में सीसम लेट. भारत में सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है गुजरात में. विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी है तापीय मिन थर्मल. इडुक्की जल विद्युत परियोजना, सबरीगिरी में जल विद्युत परियोजना है, घाट प्रवाह में सिंचाई परियोजना और रामगंगा में बहुउद्देशीय परियोजना. उकाई गुजरात में है, पतरातू झारखंड, पेंच मध्य प्रदेश और डाबोल महाराष्ट्र में. उड़ान एक गैस आधारित परियोजना है महाराष्ट्र में. भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है कोयला. भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है उष्मीय यानी थर्मल ऊर्जा का. भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम है तापीय मिन थर्मल, फिर जलीय मिन हाइड्रो, देन वायु मिन पवन, देन आणविक. पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉर्पोरेशन NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है फरक्का में. ओके यस. निवेदित ताप विद्युत संयंत्र का भरण करते हैं तृतीय कोयला यानी लिग्नाइट से. रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है आंध्र प्रदेश में, वह देश जिसके सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है रूस. बिजली घर और राज्य कोठा गुदम आंध्र प्रदेश वर्तमान तेलंगाना में, रायचूर कर्नाटका में, मेठूर तमिलनाडु, वनकबोरी गुजरात में, बदरपुर दिल्ली में, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, उतारन गुजरात, पारश महाराष्ट्र. राज्य और तापीय शक्ति क्षमता में स्थान, तो देखिए महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है, गुजरात सेकंड पे, उत्तर प्रदेश थर्ड एंड पश्चिम बंगाल फोर्थ. बोकारो का तापीय बिजली घर स्थित है झारखंड में. परियोजना और कंपनी, जैसे जाजपुर में एकीकृत इस्पात में लगी पड़ी है, जाजपुर में एकीकृत इस्पात संयंत्र, ओडिशा में एकीकृत इस्पात संयंत्र परियोजना टाटा स्टील का कंपनी है, जबकि जामनगर में बिजली संयंत्र जो गुजरात में वो एस आर पावर, और नवीनगर में बिजली संयंत्र जो बिहार में है भारतीय रेलवे, तथा कयमकुलम बिजली संयंत्र जो केरला में है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम. नाभिकीय यानी न्यूक्लियर, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना हुई थी तारापुर महाराष्ट्र में. वर्ष 2016 तक भारत में कुल उत्पादित ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत है 3.38%. नवंबर 2017 तक के आंकड़ों के अनुसार नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत 2.1 है. भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम.
नाभिकीय शक्ति केंद्र और राज्य कोटा राजस्थान में, तारापुर महाराष्ट्र, काकरा पर गुजरात, नरोरा उत्तर प्रदेश, आणविक संयंत्र और चालू होने का वर्ष कोटा 1973, काकरापार 1993, कैगा 2000, कल्पकम 1984। भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशा प्रद स्रोत अण ऊर्जा है। परमाणु विद्युत संयंत्र या गुर्जर संयंत्र और राज्य थाल जो है वो महाराष्ट्र में, मानगुरु तेलंगाना में, खेगा कर्नाटका एंड मुपांदल तमिलनाडु। तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु रिएक्टर्स की 6 इकाइयां लगाने हेतु राजी हुआ है रूस। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है तमिलनाडु में। भारत अपने 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण कर रहा है रावतबाड़ा राजस्थान में। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है कैगा कर्नाटका। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र स्थापित है हजीरा, बड़ौदा, कोटा, मानगुरु एंड थाल एक्सेट्रा। मीठी वृद्धि परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा यूएसए के सहयोग से। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का। जल विद्युत में हाइड्रो इलेक्ट्रिक कोयना जल विद्युत गृह अवस्थित है महाराष्ट्र में। राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित है कोटा में। ऊर्जा में एनर्जी मिसलेनियस ऊर्जा उष्मा विद्युत संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र एवं नाभिकीय विद्युत संपन्न मेशी महाराष्ट्र का सतारा प्रसिद्ध है पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है तमिलनाडु। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में कथन सही है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का योगदान लगभग 14% से अधिक है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में से पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 115 मेगावाट की है स्थित है तमिलनाडु में। वर्तमान में सुजलाम ग्रुप द्वारा गुजरात के कच्छ में निर्मित 1100 मेगावाट की पवन ऊर्जा इकाइयां विंड फार्म एशिया की सबसे बड़ी इकाई है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र खंभात की खाड़ी है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं भावनगर गुजरात में है। एमएमटीसी, एमटीएनएल, एनसीएल एंड एनएचपीसी में से विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है एनएचपीसी। वह भारत का वह राज्य जो बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान पर है गुजरात। भारत में प्रति व्यक्ति प्राथमिक ऊर्जा की खपत वर्ष 2014-15 में थी 423 किलोग्राम तेल और 17,731 मेगाजूल के बराबर। भारत में अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव रामपुर स्थित है उत्तर प्रदेश में। भारत में राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय रुग्णता की वजह क्या क्या है? कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफी ज्यादा होती हैं। राज्य विद्युत बोर्ड्स के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी, राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्ड्स के माध्यम से सामाजिक प्रदान नीतियों को क्रियान्वित किया है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र स्थित है हिमाचल प्रदेश में। गर्म जल स्रोत और अवस्थिति, ये मणिकरण जो है हिमाचल प्रदेश में, अनहोनी मध्य प्रदेश, तप्त पानी ओडिशा। पेट्रोलियम परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस एंड बायोगैस में से ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है बायोगैस, जबकि व्यावसायिक स्रोत है पेट्रोलियम परमाणु ऊर्जा एंड प्राकृतिक गैस। नवीनीकृत ऊर्जा संसाधन है पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा एंड पृथ्वी की ऊर्जा। उद्योग में इंडस्ट्री, लौह इस्पात उद्योग, आयरन और इंडस्ट्री, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम एंड निकेल की। धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में होकर आयोजित किए गए हैं। इन उद्योगों के ऐसे अवस्थिति स्थित्यांतरण का प्रमुख कारण है गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को आयात की अपेक्षा होती है कोक कारिमिन कोकिंग कोयला के। टिस्को जमशेदपुर, वीएसएल भद्रावती, एचएसएल दुर्गावती एंड एचएसएल मिलाई में से कोयले की स्थानीय आपूर्ति में लोकल सप्लाई उपलब्ध नहीं है वीएसएल भद्रावती को। टिस्को संयंत्र स्थित है टाटा नगर के नजदीक। राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था जर्मनी के सहयोग से, अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ जर्मनी। भिलाई स्टील प्लांट संयुक्त उपक्रम है रूस एंड भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। चाय, जूट, लौह एंड इस्पात तथा चीनी उद्योगों में से वह उद्योग जो भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है लोहा तथा इस्पात उद्योग। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड एंड राउरकेला ओडिशा। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है क्यूंझर से।
भारत में शोध कारखानों का उपक्रम वह समूह जो स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे भिलाई छत्तीसगढ़ दुर्गापुर पश्चिम बंगाल राउरकेला ओडिशा ओके गॉट इट। उष्ण स्रोत, उष्ण मतलब होता है गर्म स्रोत, भारत के राज्य लशुंद्रा गुजरात में अवलोली महाराष्ट्र मणिकरण हिमाचल प्रदेश सोहना हरियाणा केंद्र और ऊर्जा नदी पतरातू में तापीय विंड थर्मल है एंड झाकरी में जल विद्युत कल्पाक्कम में नाभिकीय और कोरबा में तापीय है एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है एल्यूमिनियम उद्योग के कारण टेलको कंपनी संबंधित ऑटोमोबाइल से कंपनी है इधर और अवस्थिति जैसे कि बालको जो है वो कोरबा में है हिंडालको पिपरी रेणुकूट सोनभद्र उत्तर प्रदेश नालको भुवनेश्वर एचसीएल खेतरी इंडियन एल्यूमिनियम हीराकुंड एंड नेशनल एल्यूमिनियम कोरापुट में एल्यूमिनियम संयंत्र और राज्य अलुपुरम एल्यूमिनियम संयंत्र केरला में अंगूल ओडिशा बेलगाम एल्यूमिनियम संयंत्र कर्नाटक एंड कोरबा छत्तीसगढ़ में विविध इंडस्ट्री उद्योग केंद्र काकीनाडा जूट के लिए फेमस विरुद्धनगर सूती वस्त्र के लिए चन्नापटना रेशम एंड भदोही कालीन के लिए भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची में है मशीन औजार पिंजौर में एल्यूमिनियम रेणुकूट सोनभद्र उत्तर प्रदेश उर्वरक सिंदरी पेट्रोल पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड बेंगलोर में एक और एलएनजी टर्मिनल लगा रहा है ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय विशाखापट्टनम में है नारवा पहाड़ खान भारतीय और यूरेनियम निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है गॉट इट नेक्स्ट ईयर आई हैव रीच्ड इन द 50% पार्ट्स ऑफ द थर्ड एंड लास्ट लेक्चर हियर ओके यस सूची 1 एंड 2 हस्तशिल्प केंद्र हैं इधर और राज्य मोन नागालैंड नलबाड़ी असम पासीघाट अरुणाचल प्रदेश तूरा हस्तशिल्प केंद्र मेघालय स्थान जिसके लिए जाने जाते हैं देखिए काकीनाडा बायोडियल संयंत्र है वहाँ पे डुडीगुल में भारतीय वायुसेना अकादमी मड़गांव में स्काई बस मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा भद्रचलम में आईटीसी कागज बोर्ड नेक्स्ट इंडस्ट्री सेंट्रल इंडस्ट्री उर्वरक आंवला में रबर मोदीनगर में बाराबंकी में पॉली फाइबर एंड कानपुर में विस्फोटक भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग जरी के बटुए भोपाल में भैरवगढ़ के प्रिंट उज्जैन बाघ की हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट धार चंदेरी की साड़ियाँ अशोकनगर मशहूरिया साड़ी का संबंध है कोटा जिले से यूपी में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थापित है गाजियाबाद में चुनार प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए इंडियन मिनरल बुक 2015 के आंकड़ों के अनुसार विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा सेकेंड जिप्सम चूना पत्थर राख तथा मठबार में से सीमेंट का मुख्य संघटक है चूना पत्थर बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए एमपी में कीटनाशक उद्योग है तो प्रसिद्ध है भोपाल स्थान और उद्योग विशाखापट्टनम पोत निर्माण मोरी एल्यूमिनियम एंड गुड़गांव या गुरुग्राम गुड़गांव या गुरुग्राम मोटर गाड़ियां बनती है वहां पे पनकी में उर्वरक सीमेंट पोरबंदर में नागथेन में पेट्रोल रसायन राउरकेला जो ओडिशा का है वहां पे लोहा है इस्पात भारत में पंजीम बंगलुरु पुदुचेरी एंड औरंगाबाद औद्योगिक क्षेत्रों में रबर उद्योग स्थित है पंजीम में पिपरी उत्तर प्रदेश में उद्योग है जल विद्युत भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगा है सिंदरी में सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है फूलपुर उत्तर प्रदेश में ब्रजराज नगर ओडिशा में कागज कैमूर मध्य प्रदेश में सीमेंट हल्दिया पश्चिम बंगाल में पेट्रोल रसायन और फूलपुर उत्तर प्रदेश में उर्वरक भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल रसायन कारखाना है गुजरात में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना का वर्ष 1974 अमलाई मध्य प्रदेश बल्लारपुर महाराष्ट्र ब्रजराज नगर ओडिशा एंड राजामुंद्री आंध्र प्रदेश भारत में सर्वाधिक कागज मिलें स्थित हैं गुजरात में यद्यपि भारत के कुछ ही भागों में कपास एंड कॉटन उत्पादन की जाती है परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता ओके 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू हुआ पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई थी कलकत्ता में उद्योग में इंडस्ट्री और केंद्र में सेंटर रेशम वस्त्र मैसूर कर्नाटक पेट्रोल रसायन जवाहर नगर गुजरात उर्वरक तलचर ओडिशा औषध निर्माण ऋषिकेश उत्तराखंड
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दिल्ली में है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड रांची में, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा राजस्थान, स्थल और राज्य कोयाली गुजरात में है, नागपट्टिनम तमिलनाडु, नुमालीगढ़ असम, मनाली तमिलनाडु, मोरी झारखंड में है, अलवा जो है केरला में एंड धर्मापुरी तमिलनाडु एंड कोयाली गुजरात में। ओके औद्योगिक इकाई में इंडस्ट्री यूनिट्स एंड सेंटर, एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड सोनीपत हरियाणा, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटका, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कलोल एंड नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर ओडिशा। डायमंड पार्क ये वे औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरो सिंथेटिक ज्वारातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। अंडरस्टैंड? यस। प्रतिष्ठित व्यक्ति और कार्यक्षेत्र जैसे बीवी राव कुक्कुट पालन से जुड़े थे, सी के प्रहलाद प्रबंधन विज्ञान एंड जॉन कुरियन मत्स्य उद्योग व्यवस्था अर्थव्यवस्था, किरण कारणिक सूचना प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर। पंजाब में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है लुधियाना, भारत में वह उद्योग जो पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ताप शक्ति। उद्योग और स्थान, कागज टीटागढ़ में कागज, लखेरी में सीमेंट मिल बनाई जाती है, भिलाई में लोहा इस्पात, अम्बाला में मुकुल में खनिज तेल शौचालय, जेके नगर में एल्यूमिनियम, मलाजखंड में तांबा, टंडू में जस्ता, भाटपाड़ा में जूट। उद्योग और औषधि, श्री गंगानगर में उर्वरक, जयपुर में कांच, उदयपुर में सीमेंट एंड कोटा में कृत्रिम रेशम। देश में पेट्रोल रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है जामनगर एंड केंद्र और उद्योग जैसे काकीनाड़ा में जूट उद्योग है, विरुद्धनगर सूती वस्त्र उद्योग, चन्नापटना में रेशम एंड भदोही में कारपेट। पारंपरिक साड़ी या वस्त्र उत्पादन के लिए सुविख्यात चंदेरी एंड कांचीपुरम, बनारसी जरी और साड़ियाँ, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा तथा तिरुपति लड्डू में से भौगोलिक सूचना या जियोग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति प्रदान की गई है बनारसी जरी और साड़ियाँ तथा तिरुपति लड्डू को। शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र अवस्थित है तमिलनाडु में, भारत में शिवकाशी केंद्र स्थित है मदुरई कोयम्बटूर बंगलुरु औद्योगिक प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पीतमपुर को जाना जाता है ऑटोमोबाइल के लिए, ऑटोमोबाइल्स। यस। If you want to watch, this is third and last lecture of Indian Geography. If you want to watch all three lectures of Indian Geography, Geography of India, then you should go on study channels playlist. You will get lots of rich materials, coach, not only Geography of India, but also World Geography, Physics, Chemistry, Biology, Mathematics, Reasoning, English, Hindi, History, Polity, Economy. That's these types of subjects which is important for the examination. These types of key facts and materials are available on study channels. You should use it according to your need and comfortability. That's why it is my suggestion for you. If you will definitely watch some videos on study channels, then you will feel good and comfortable mode. Right now, then you should follow these channels and you should watch important facts and materials on study channel. Bharat Ke Anushandhan Kendra in Research Centers of India. 1988 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य है समुद्री जीवशास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई वह है भारतीय, दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRISAT स्थित है हैदराबाद तेलंगाना कैपिटल। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान क्रीड़ा अवस्थित है हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है बीकानेर राजस्थान। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी स्थित है हैदराबाद तेलंगाना। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है जयपुर राजस्थान। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है सोलन। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है मैसूर कर्नाटका। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटका। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजा मुंदरी। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है झांसी उत्तर प्रदेश में। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है जो स्थित है भोपाल मध्य प्रदेश में। भारतीय चावल शोध संस्थान कटक ओडिशा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित करनाल हरियाणा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर उत्तर प्रदेश। भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है वाराणसी उत्तर प्रदेश। केंद्रीय उपकरण बागवानी संस्थान अवस्थित है लखनऊ उत्तर प्रदेश। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस
का मुख्यालय अवस्थित है नागपुर कर्नाटक। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है धनबाद झारखंड। भारतीय हीरा संस्थान स्थापित है सूरत गुजरात एंड राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड स्थित है आनंद गुजरात में। संस्था इंस्टीट्यूशंस एंड स्थान। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद तेलंगाना। सैन्य विधिक संस्थान कामठी एंड राष्ट्रीय अखंडता संस्थान पुणे महाराष्ट्र। यस, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय मेरठ। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र है झांसी में। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है कोलकाता में। भारत में नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित है नई दिल्ली मैसूर भोपाल एंड भुवनेश्वर में। संस्थान और स्थान सी एस एस आर आई करनाल हरियाणा। सी टी सी आर आई त्रिवेंद्रम। आई आर आर आई मनीला एंड सी ए जेड आर आई जोधपुर। पौध संरक्षण संगरोध एंड भंडारण निदेशालय अवस्थित है फरीदाबाद हरियाणा में। फसलों की परियोजना निदेशालय और स्थान जहां स्थित हैं डी आर आर हैदराबाद डी डब्ल्यू आर करनाल डी एम आर नई दिल्ली एंड डी पी आर कानपुर। संस्थान और स्थिति भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी अनुसंधान ब्यूरो नई दिल्ली। राष्ट्रीय पौध सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद। गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF स्थित है गाजियाबाद में। परिवहन एंड ट्रांसपोर्टेशन सड़क परिवहन देख रहे हैं भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग है 80%। भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग और उनकी कुल लंबाई करीबन है 215 से अधिक और यूनिट 100,000 अबव किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 था बट अब चेंज हो गया है डेटा, आप देख लेना लेटेस्ट डेटा। राष्ट्रीय मार्ग क्रम 4 में सम्मिलित होते हैं महाराष्ट्र आंध्र कर्नाटक तमिलनाडु। वह राज्य जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है उत्तर प्रदेश। और भारत का वह राज्य जिसमें राष्ट्रीय नहीं प्रांतीय राजमार्गों की शक्ल लंबाई सबसे अधिक है महाराष्ट्र। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध है राजमार्गों के विकास से। भारत के स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है दिल्ली मुंबई चेन्नई एंड कोलकाता को। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है राजमार्गों के विकास से। दो राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं दूसरे को मिलेंगे झांसी उत्तर प्रदेश में। उत्तर दक्षिण गलियारे या नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर स्थित नगरों का उत्तर से दक्षिण क्रम है आगरा ग्वालियर नागपुर एंड कृष्णागिरी। महाराष्ट्र के 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है मुंबई तथा पुणे को। आगरा भोपाल धुले तथा ग्वालियर में से वह नगर जो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है भोपाल। प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है उन गांवों को सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भलीभांति संबद्ध नहीं है। भारतीय राज्यों का उनके प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उनकी भूतल मार्गों की लंबाई के अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर इन हिंदी घटते हुए क्रम में सही है पंजाब तमिलनाडु महाराष्ट्र एंड ओडिशा सॉरी हरियाणा। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन आवश्यकता के लगभग 40% की पूर्ति करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सबसे बड़ा राजमार्ग था अभी नहीं है डेटा चेंज हो गया। यू शुड वॉच करेंट अफेयर्स राइट नाउ। अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 2 है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे से। वह राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी मध्य प्रदेश में लंबाई सर्वाधिक है NH3 आगरा ग्वालियर देवास मुंबई। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के संबंध में है कि यह दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर। सिलचर जो है असम में है और पोरबंदर जो है गुजरात में है। गॉट इट। जवाहर सुरंग गुजरती है बनिहालदर रेशी रेल परिवहन। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में। भारत की पहली रेलवे लाइन बनी थी मुंबई थाने के बीच 1853 में। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 5.5 फीट। गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग है इलाहाबाद होकर। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है मुंबई अहमदाबाद गुजरात में के मध्य। उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर हेडक्वार्टर है। दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता पूर्वी रेलवे का कोलकाता और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर। लेकिन उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। फेरी क्वीन विश्व के सबसे पुराने
चालू इंजन का प्रयोग करने वाली गाड़ी है तथा भारतीय रेलवे के द्वारा वन्य जीव तथा विरासत स्थलों की यात्रा आयोजित करती है। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है बिहार में। उत्तर मध्य रेलवे जोन क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है इलाहाबाद में। इट इज समथिंग हियर ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिल्ली से चले दो पर्यटक जिसमें से एक को कराची जाना है और दूसरे को भुज, साथी की तलाश में है। जिस रेलवे जंक्शन जहाँ तक वे साथ चल सकते हैं उसे मानचित्र में दर्शाया गया है बालोतरा। इट्स ट्राई टू हियर भुज कराची, ये देखिए यहाँ से चले हैं यहाँ तक चलेंगे उसके बाद ये डाइवर्ट हो जाएंगे, कराची के लिए उधर चले जाएंगे और बालोतरा के लिए इधर। राइट नाउ ये मैपिंग सेक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, यू शुड ट्राई टू स्पेंड अ लिटिल टाइम फॉर द मैपिंग। यद्यपि रेलवे भारत में सबसे अधिक व्यापक परिवहन साधन है परंतु स्वतंत्रता के बाद की अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है। इसके कारण है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? द रीजन इज रेल परिवहन संचालन सस्ता है पर उसकी संबद्ध पूंजी लागत बहुत अधिक है। मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है कि केवल रेलवे से ही परिवहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा करना वास्तविक नहीं है। रेलवे का स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्रायः इसका लाभ उठाना उतना ही सुविधाजनक नहीं होता जितना निजी कारों, बसों, दुपहिया वाहनों के लाभ से लाभ उठाना। ओके, इज दैट अ फैक्ट? इज दैट अ फैक्ट? इज इफ यस देन टेल मी, इफ नो देन टेल मी हाउ। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब, व्हील एंड एक्सल संयंत्र बंगलुरु कर्नाटका, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी उत्तर प्रदेश एंड इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं मड़वाड़ी वाराणसी उत्तर प्रदेश में, वह राज्य जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है पंजाब और तमिलनाडु। रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है बड़ौदा में। साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतम होता है रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग में। Yeah, some points, facts हैं, मैं शाना सुरेंद्र नगर राजकोट एंड जूनागढ़। इट इज नॉट फैक्ट्स क्लियर इज दैट्स व्हाई आई एम लीव इट स्कैप इट। तीसरा रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है रायबरेली उत्तर प्रदेश। ये रायबरेली यूपी में दो हैं, एक ये जो रायबरेली है रायबरेली ये लखनऊ के पास है जबकि दूसरी जो बरेली के नाम से वो उत्तराखंड की बॉर्डर में एरिया में जो उत्तर प्रदेश का जिला है। वह रेलखंड जहाँ पर प्रथम CNG ट्रेन शुरू की गई रेवाड़ी रोहतक खंड पर। वह पहला राज्य जहां PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया गुजरात में। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मैंगलोर को। कोंकण रेलवे में से सर्वाधिक लाभान्वित स्टेट्स जो हैं वो हैं गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड केरल। बेलगाम, मड़गांव, रत्नागिरी एवं उड़पी में से कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है बेलगाम को जबकि जोड़ता है मड़गांव, रत्नागिरी एंड उड़पी को। वह दो रेलवे स्टेशनों जिन्हें जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग भी पश्चिम बंगाल में है। भारत में वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है सिक्किम। रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटता हुआ क्रम पीर पंजाल, कारबूद, नाथुबाड़ी एंड वर्देवाड़ी। नौ परिवहन या वायु परिवहन में इनकी एयर फोर्स की बात हो रही है और हवाई परिवहन बोल सकते हैं हवा में। मालाबार, कोंकण, कोरमंडल एवं उत्तरी सरकार तटों में से कोच्चि बंदरगाह स्थित है मालाबार तट पे। ओके, नौ परिवहन नेविगेशन और मत्स्य ग्रहण यानी फिशिंग में ज्वारभाटा टाइड्स अत्यंत सहायक होता है। उच्च ज्वारभाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह मीन हार्बर में सुरक्षित प्रवेश करने या निकलने योग्य बनाता है। ज्वारभाटा बंदरगाहों में शादमिन सिल्टेशन रोकता है। कांदला तथा डायमंड हार्बर ज्वारी बंदरगाह में टाइडल पोर्ट्स हैं। भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण यानी शिपयार्ड है कोची या कोचीन। भारत के मुख्य ज्वारी पतन है कोलकाता एंड कांदला। कांदला बंदरगाह जो एक प्राकृतिक बंदरगाह है स्थित है कच्छ की खाड़ी पूर्वी तट पे। भारत का सबसे गहरा पतन है विशाखापत्तनम। पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वे हैं कोलकाता एंड विशाखापत्तनम। पारादीप बंदरगाह अवस्थित है ओडिशा राज्य में मनुगांव पत्तन स्थित गोवा में। भारत का सर्वाधिक आयात नौभार तथा निर्यात नौभार वहन किया कांदला पत्तन गुजरात। भारत में कृत्रिम पत्तन है चेन्नई एंड तूतीकोरिन दोनों तमिलनाडु के पोर्ट्स हैं। तो ये है आपका माहे राइट नाउ एंड ये है कराईकल एंड ये पुदुचेरी देन ये तो माहे जो है वो केरल बॉर्डर पे है जबकि कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु के बॉर्डर पे यानी यन और यनम जो है ये आंध्र बॉर्डर पे है। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है काकीनाडा। भारत के कच्चे रूपरेखा मानचित्र में दिखाए गए निम्न बंदरगाहों में से नदी तटीय रायवराणिक बंदरगाह है। इट्स नॉट पिक्चर इज नॉट क्लियर दैट्स व्हाई आई एम लिविंग हियर एस्केप इट। पत्तन जहाँ LNG टर्मिनल नहीं है वह है कांदला गुजरात।
वह स्थान जहाँ पर तीन चंद्रभागा समुद्र तट मिलते हैं कन्याकुमारी। सेतु समुद्र परियोजना में नव परिवहन नहर की लंबाई 167 किलोमीटर। सेतु समुद्र परियोजना जिन्हें जोड़ती है मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। कांदला गुजरात में है। नहवा शेवा महाराष्ट्र। पारादीप ओडिशा एंड तूतीकोरिन तमिलनाडु। समुद्री बंदरगाह राज्य अलेप्पी केरल में एन्नोर तमिलनाडु। पारादीप ओडिशा काकीनाडा आंध्र प्रदेश। अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य होगा आंध्र प्रदेश। मार्ग का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। गंगा नदी का वह भाग जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया अलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है अलाहाबाद उत्तर प्रदेश हल्दिया पश्चिम बंगाल। वह राष्ट्रीय जलमार्ग जो कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है केरल तटीय नहर जलमार्ग। यस राष्ट्रीय अंतरदेशीय नौवहन संस्थान नीनी अवस्थित है पटना में। भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है चेन्नई के निकट एन्नोर में। जामनगर ओखा पोरबंदर एंड बेरावल में से गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है जामनगर। भारत का खुला सागरीय बंदरगाह है चेन्नई। भारत में बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है हल्दिया पश्चिम बंगाल। सिपयार्ड और राज्य गार्डन रिच पश्चिम बंगाल। हिंदुस्तान सिपयार्ड आंध्र प्रदेश। मजगांव डॉक्स महाराष्ट्र। कोचीन सिपयार्ड केरला। सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन है कोचीन विमानपत्तन। राजा जी सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है अमृतसर में। पंजाब। दमन जंजीरा कराईकल एंड रत्नागिरी बंदरगाहों में से जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है कराईकल बंदरगाह ये पूर्वी तट पे है। अंडरस्टैंड। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड स्थित है अलंग गुजरात के भावनगर में। राइट नाउ वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए जिस पतन का निर्माण किया गया हुआ है नहवा शेवा JLN पतन। वह राज्य जिसमें लंबे नौसंचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया गया है राजस्थान। अंडरस्टैंड इज इट क्लियर। मोरमुगांव गोवा में। पारादीप ओडिशा। मंगलौर कर्नाटक। मुंद्रा गुजरात। पर्यटन स्थल टूरिस्ट प्लेस। देखिए पर्यटन स्थल और राज्य चक्राता उत्तराखंड में है। हाफलांग असम में। कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल एंड कुफरी हिमाचल प्रदेश। यस राज्य और पर्यटन केंद्र ये जो जम्मू कश्मीर में है गुलमर्ग हिमाचल प्रदेश कसौली गुजरात उडवाडा और तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमो। हिमाचल प्रदेश में कीलांग है। उत्तराखंड में औली। कर्नाटक में चिकमंगलोर। तमिलनाडु में ऊटी है। भारत में गुलाबी नगरी कहते हैं जयपुर को। भारत में झीलों का नगर कहा जाता है उदयपुर को। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं का मंदिर स्थित है बिलीगिरी रंगा पहाड़ी पर। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया है वह है अतुल्य भारत। सबरीमाला स्थित है केरल राज्य में। भारत के ध्वस्त नगरों घोस्ट टाउन्स में है कुलधारा धनुषकोडी एंड लखपत नगर। तीर्थस्थल और अवस्थिति श्रीशैलम नल्लामला पहाड़ियों पे ओंकारेश्वर मंदाता पहाड़ और पुष्कर अरावली पे। ओके वह संयंत्र जो शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है बायोगैस संयंत्र। कोरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया था 1986 में। विश्व का वह देश जो नाइट्रोजनी उर्वरक उत्पादन तथा उपभोक्ता के रूप में दूसरे स्थान पर है भारत। टिड्डियां भारत में प्रवेश करती हैं पाकिस्तान से। स्थान और राज्य श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। थुम्बा केरल में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसे बार्क बोलते हैं मुंबई में और पोखरण राजस्थान में है। दिस इज थर्ड लेक्चर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। इफ यू वांट टू वॉच ऑल थ्री लेक्चर्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी देन यू शुड गो ऑन स्टडी चैनल कॉज स्टडी चैनल प्रोवाइड्स यू ऑल थ्री लेक्चर्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी एंड सम मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स some more rich materials of another subjects such as history, polity, economy, geography, physics, chemistry, biology, science, technology, Hindi, English, mathematics and reasoning all rich materials of all these subjects are available on study channels. Then first of all you should go on study channel and watch these types of videos and take profit. Okay. नगर और विशेषताएं अलीबाग अवकाश सदन हॉलीडे रिजोर्ट है। बालपुर में सेल रासायनिक संकुल यानी कि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। नहवा शेवा में बंदरगाह पोर्ट है। रत्नागिरी मत्स्य केंद्र यानी फिशिंग सेंटर है। थुम्बा में विक्रमशाला यांत्रिकी केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण है थुम्बा का बहुचुंबकीय विद्युत रेखा पर स्थित होना।
द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ और आचार्य एनजीरंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश। केयर्न एनर्जी का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है स्कॉटलैंड, जो यूरोप में है। रामेश्वरम तमिलनाडु, द्वारका गुजरात, सारनाथ उत्तर प्रदेश, महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश, एसबॉग स्टेडियम भोपाल, ब्रेवन स्टेडियम मुंबई, ग्रीन पार्क कानपुर, इडन गार्डन्स कोलकाता, भूमिगत रेलवे कोलकाता, आम रत्नागिरी, ताले अलीगढ़ और चावल देहरादून। राइट नाउ डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है कोलकाता में। डिंडिगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। हरित राजमार्ग का लक्ष्य है वृक्षारोपण। देखिए भारत में पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र अवस्थित है पश्चिम बंगाल में और भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम था अप्सरा। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव हुआ 1850 में और भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम शुरू की गई थी कलकत्ता और डायमंड हार्बर के मध्य। देन आई थिंक आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड थर्ड एंड लास्ट लेक्चर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। इफ यू वांट टू वॉच ऑल थ्री लेक्चर्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी देन यू शुड गो ऑन स्टडी चैनल। And thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share my study channels and videos. Thank you so much in advance for this. Thanks a lot.